All right, guys, welcome back to CUET and UG Entrances by Adda 24/7. This is your verbal ability mentor, Janvi Mehra, with you. And in today's video, we are going to discuss about Hansraj College, all about Hansraj College, the admission to Hansraj College, kya fees hone wali hai, placements kaisi rehti hai, cut off kya hai, kaun kaun se courses jo hai, wo, you know, offer kiye jaate hai Hansraj College mein, right? To aap kaun kaun se courses mein admission le sakte hai, cut off कितनी जाती है. हंसराज कॉलेज जो है ना, डीयू का काफी प्रोमिनेंट कॉलेज है, I would say. डीयू में, और यू नो, शाहरुख खान भी यहाँ से ही पास आउट है. शाहरुख खान एंड गौरी खान इज फ्रॉम LSR, राइट? सो वो लेडी श्रीराम से है, शाहरुख खान इज फ्रॉम हंसराज कॉलेज, एंड मेनी अदर नोटेबल एल्यूमिनाई बिलोंग टू हंसराज कॉलेज. ओके गाइज, सो ये जो हंसराज कॉलेज के बारे में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि कब एस्टैब्लिश हुआ था एंड एवरीथिंग. सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 एंड इट इज रैंक्ड 14th NIRF की जो रैंकिंग है 2021 के हिसाब से, उसमें 14th रैंक पे ये आता है. और ग्रेड ए कॉलेज बाय NAAC, इट इज अफिलिएटेड टू DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड इसमें अराउंड 5000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं. फिर हंसराज के बारे में और क्या बात है कि यहाँ पे फैकल्टीज बहुत ही बढ़िया लेवल की हैं, मतलब बिल्कुल ही होते हैं ना कि जो जो गेस्ट लेक्चरर्स जो आते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से आते हैं, फैकल्टीज जो है वो बिल्कुल PhD लेवल की, यू नो, रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, है ना. इट इज़ अमेजिंग, तो फैकल्टी बहुत अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. एंड देन क्या क्या है इस कॉलेज में, सो डेफिनेटली बहुत सारी फैसिलिटीज़ है. मतलब फेस्ट वैसे ना इसका बहुत तगड़ा होता है ना, तो कई सारे जो DU के फेस्ट होते हैं उसमें हंसराज का फेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. मतलब अच्छा बजट देते हैं कॉलेज वाले फेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, है ना गाइस. चलिए तो देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा इसका प्यारा सा कैंपस है ना, आपको बिल्कुल नॉर्थ कैंपस के अंदर ये सिचुएटेड है DU में, तो बहुत प्यारा इसका कैंपस है. बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है, ब्लड बैंक है, लेबोरेटरीज हैं, और इसके अलावा क्या क्या है कि HRC जो है, ई लर्निंग फैसिलिटी को भी अब जो है वो प्रोवाइड करने लगा है, जो लोग यू नो अवेल नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो उनके लिए. पेपर कब होगा? CUET का पेपर आपको पता है कि July 1st week में हो जाएगा, राइट? सो कॉलेज बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छा है, एंड फेस्ट बेस्ट पार्ट है, फेस्ट यहाँ के फैकल्टीज बेस्ट पार्ट है. यहाँ का जो एक्सपोजर आपको मिलेगा ना, मतलब बहुत अच्छे लेवल का, मतलब ऑल ओवर इंडिया बच्चे आके पढ़ते हैं, और क्रीम बच्चे एकदम होते हैं ना, क्रीम बच्चे, वो लोग आके यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और कोर्सेज को परस्यू करते हैं. तो एक्सपोजर जो है, जो आपको सीखने को मिलेगा, कि कोई ना कोई कुछ, यू नो, बच्चे कॉलेज में ग्रेजुएशन के टाइम पे ही इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, या NGOs के साथ एसोसिएटेड हैं, या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, सोसाइटीज हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, सोसाइटीज भी बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड, जैसे एंटरप्रेन्योर सेल होता है ना, ई सेल जैसे हम कहते हैं, दिन ड्रामेटिक्स की सोसाइटीज है, सिंगिंग सोसाइटी है आपकी, ये सारी बहुत बड़े लेवल की सोसाइटी. फिर आपकी एक इनएक्टिव सोसाइटी जो होती है DU में, काफ़ी फेमस है ना. सो फाइनेंस रिलेटेड ये सारी जो है ना अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, इनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद. देन आप कोर्सेज की बात करते हैं, तो आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड एक कोर्स इस कॉलेज में प्रोवाइड करा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, BA प्रोग्राम. और इसकी फ़ी कितनी है, 3 साल की 21,000. मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो आप, ROI देखो इसका, ROI की कितनी कम इन्वेस्टमेंट और कितना ज्यादा आप इस कॉलेज से वापस लेके जाने वाले हो. क्योंकि अगर आपके साथ नाम लग गया हंसराज का, देन आपको झट से यूं प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छी खासी अच्छे पैकेज की जो है प्लेसमेंट मिल जाएगी, सिर्फ एक ग्रेजुएशन करके भी, राइट? और कितनी सी इन्वेस्टमेंट है, 21,000 की. बट इसके अंदर एडमिशन तभी होगा जब आपके CUCET के अंदर जो स्कोर है वो बहुत अच्छी होगी, है ना मैम. इस कॉलेज में लैंग्वेज कोर्स अवेलेबल है, मैं आपको सारे कोर्सेज ही बता रही हूँ कौन कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, तो एक बारी देखते रहो, ठीक है. हाँ, ऑनर्स हैं, बिल्कुल है. देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ना, BCom ऑनर्स है, ये दोनों कोर्सेज हैं. सो BCom ऑनर्स ये जो है 3 साल का है, 21,000 इसकी फ़ी है. देन BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये भी 3 साल का है, 21,000 इसकी फ़ी है. कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, सॉरी BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, जो कि इस कॉलेज का सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है. BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स बेस्ट कोर्स है,
है और इसकी सबसे हाई कट ऑफ भी जाती है, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ भी जाती है, ठीक है। मैं आपको ऑनर्स वाले कोर्सेज ही बता रही हूँ कौन कौन से। बीए प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया था आर्ट और डिजाइन से रिलेटेड, राइट, ठीक है। सो दिस कॉलेज इज बेस्ट फॉर यस यस बीएससी नो बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए काफी माना जाता है, जाना माना जाता है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से देखो इसमें बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है, वही फीस इसकी 21,000 है पर सेमेस्टर और आपका 3 ईयर्स का ये जो है कोर्स होने वाला है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। और देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से कोर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं। ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो है बीएससी ऑनर्स है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये है। देन हिस्ट्री ऑनर्स है बीए हिस्ट्री ऑनर्स, अगेन वेरी वेरी अमेजिंग कोर्स, मतलब ये वाले कोर्स करने के बाद ना बच्चे सीधा यूपीएससी के लिए जाते हैं, यू नो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर चले जाते हैं, हिस्टोरियंस बन जाते हैं, स्कॉलर्स बन जाते हैं, लेक्चरर्स बन जाते हैं, प्रोफेसर्स बन जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ का डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री का, है ना, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं। साइंस रिलेटेड कोर्सेज देख लें तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का है और 3 साल का है ये भी, ठीक है। फिर बीएससी ऑनर्स जूलॉजी है ना, जूलॉजी एनिमल की जो स्टडीज होती है उसके अंदर है बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। देन जियोलॉजी, ठीक है, अर्थ रिलेटेड जो स्टडीज है, ठीक है, जियोलॉजी। सो यस, कितना नंबर पे एडमिशन मिलेगा, देखो सीयूसीटी का जब आप एग्जाम दे दोगे तो उसमें आपकी रैंक आएगी, आपका स्कोर आएगा, तो देखो इस ये कॉलेज जो है ना इसकी कट ऑफ हाई जाती है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, कोई फालतू की बात नहीं बताऊंगी कि नहीं आपको मिल जाएगा, हाई कट ऑफ जाती हैं, बहुत हाई कट ऑफ जाती हैं। तो अगर आप सीयूईटी के अंदर करते हो ना अच्छा स्कोर तभी आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगा, ये तगड़ा कॉलेज है बता रही हूँ मैं आप सभी को। और कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज में, बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा आता है इसमें। फिजिकल साइंस बीएससी, देन यहाँ पर फिर बीएससी लाइफ साइंसेज है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स भी है ना, एंड बीएससी ऑनर्स बॉटनी भी है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, राइट, प्लांट्स। चलो और देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। अच्छा अब नहीं है, इतने ही कोर्सेज हैं, मैंने बता दिया ना जितने कोर्सेज हैं यही आप यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अच्छा प्लेसमेंट्स की बात करें तो पार्टिसिपेशन फ्रॉम वेल नोन कंपनीज, कौन कौन सी बिग फोर जो कंपनीज है ना सारी यहाँ पे प्लेसमेंट के टाइम पे पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे आपकी मैकिन्जी हो, बॉस्टन बीसीजी हो, बेन हो, देन आपका डीई शॉ एंड यूनाइटेड एयरलाइंस ऑल्सो। यहाँ पे जो हाईएस्ट सीटीसी जो है वो 20 लाख पर एनम है ना, 20 लाख, 20.5 लाख पर एनम सिर्फ एक ग्रेजुएट करे हुए इंसान को, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, 20.5 लाख पर एनम फॉर जस्ट यू नो अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। किसने करी थी भैया ऑफर, डीई शॉ ने फॉलोड बाय फ्यूचर्स फर्स्ट, ये भी एक यू नो क्या है आपका फर्म है, फर्स्ट टाइम रिक्रूटर था और इन्होंने 12.4 लाख का जो पैकेज है यहाँ पर ऑफर किया था, ठीक है, हंसराज के अंदर। एंड फिर यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज आपको मिल जाएगा 6 लाख पर है ना, आपको मिल जाएगा हर एक एवरेज स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट का सीन रहता है इस कॉलेज के अंदर, ठीक है गाइज, आई होप समझ गए। हाँ मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर नहीं आया, मैंने बताया तो शायद नहीं होगी इस कॉलेज में, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, बट यस जो जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज के अंदर माने जाते हैं। ओके गाइज अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लेसमेंट सॉरी कट ऑफ्स के बारे में देख लेते हैं ना, कट ऑफ्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखो अब आपको मैं पिछले साल की कट ऑफ दिखा रही हूँ, 2021 की कट ऑफ देखना ध्यान से, आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे। तो अब बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए ही जनरल कैटेगरी के लिए 99.75%, देखो अब तो आपको परसेंटेज का इतना टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपको क्या देना है, सीयूईटी एग्जाम देना है, तो उसके थ्रू आप डोमेन का पेपर देके यू नो ऐसे किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, है ना। सो क्या करना है सीयूईटी का, यार मैं बार बार कह रही हूँ अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सीयूईटी अगर नहीं निकला तो ये सारे सपने भूल जाओ, ये सपने देखना छोड़ दो, हंसराज हिंदू किरोड़ी मल हो गया आपका, एसआरसीसी हो गया, इन सबके सपने देखना भूल जाओ अगर सीयूसीटी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सीयूसीटी के लिए पढ़ोगे ना तभी एडमिशन होगा क्योंकि भैया उसी के जरिए हो रहा है अभी एडमिशन, अभी परसेंटेज का कोई सीन नहीं चलेगा, ये जो 99-98 है ना, तुम्हारी कितनी भी परसेंटेज हो अगर तुम्हारा सीयूसीईटी नहीं निकला है, अगर तुम्हारा अच्छा स्कोर नहीं है, अच्छा रैंक नहीं है, तो फिर तुम ये सब जो भी बातें हैं तुम्हारे लिए बेकार है ना, सब बेकार है, ठीक है गाइस।
चलो अब देख लो खुद ही अपनी आंखों के सामने देख लो, इंग्लिश ऑनर्स के लिए 99% है, हिंदी ऑनर्स के लिए 95% है, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, संस्कृत है ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है यहाँ पर, बीए मैथ्स है, हाँ बीए मैथ्स ऑनर्स है, देखो यहाँ पर है 99% है, जोलॉजी के लिए भी 99% है, बीएससी लाइफ साइंसेज के लिए 98% है, जियोलॉजी ऑनर्स के लिए 99% है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए 100% है गाइस, 100% है बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए, मैंने बताया था ना सबसे जाना माना कोर्स उसके लिए 100%, यार 100% कुछ मायने नहीं रखता क्या, 100% किसी के भी आ जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अब ये सब टेंशन मत लो कि 99 आना चाहिए 100 आना चाहिए, कुछ नहीं लाना, CUCET को क्रैक करना है, अच्छी रैंक लानी है, टॉप रैंक लानी है, ताकि आपका एडमिशन हो जाए ऐसे बढ़िया तगड़े कॉलेजेस में, ठीक है गाइज, बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो अभी से जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दो, जनरल एप्टीट्यूड बार बार कह रही हूँ, फिर जब डोमेन का सिलेबस आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा डोमेन के अलावा किसी चीज़ को और पढ़ने का, समझ रहे हो, तो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी एकदम स्टार्ट कर दो, करा रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, 4-4 घंटे डेली हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, पूरी टीम मिलकर अड्डा 24/7 की, 4 फैकल्टीज लगे हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए, डेली पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, 16 मार्च से पढ़ा रहे हैं, ठीक है 16 मार्च से ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी बच्चे भर भर के पढ़ रहे हैं, है ना, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, वो लोग आपसे आगे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, वो लोग आपसे आगे निकल चुके हैं, वो लोग किसी ना किसी अपने कॉलेज में ना एक सीट जो है वो सिक्योर करने के प्रोसेस में ऑलरेडी लग गए हैं, और आप लोग सिर्फ अभी इधर उधर ढूंढ रहे हो क्या करें क्या करें, जब आएगा तब देखी जाएगी, तो जब आएगा तब देखी जाएगी, तो फिर ले लेना फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, है ना, ले लेना जब मम्मी पापा के 6-7-8 लाख या 10 लाख की फी लगेगी ना, और तुम्हारे को ग्रेजुएशन 3 साल की, 3 साल की ग्रेजुएशन में जब तुम्हारे मम्मी पापा की इतनी फी लगेगी और फिर प्लेसमेंट ढंग का नहीं मिलेगा, तो फिर तुम सोचोगे कि यार अच्छे से कर लेते प्रिपरेशन CUCET की, है ना, तो प्लीज कर लो, प्लीज जो जो तुम्हारे सामने उसको खत्म करते हुए चलो, उसको निपटाते हुए चलो, उसकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे मस्त लेवल पर करते हुए चलो, जनरल एप्टीट्यूड पता है कर लेंगे जी, ये हो गया फिनिश, चलो अब डोमेन को पढ़ते हैं, ये हो गया डोमेन हो गया, तो चलो लैंग्वेज सेक्शन को देख लेते हैं, ऐसे ही होगा, यही प्रोसेस है ठीक है, बोर्ड्स का परसेंटेज का कुछ नहीं पता है, कितना आएगा कितना मैटर करेगा नहीं करेगा, बोर्ड्स के परसेंटेज की अभी टेंशन मत लो, करो बोर्ड्स के लिए तैयारी करो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए भी थोड़ी बहुत परसेंटेज इसमें ऐड हो, लेकिन CUCET बहुत ज्यादा मायने रखता है आपको पता है किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है गाइज, तो क्या करोगे अगर तुम जनरल एप्टीट्यूड अभी से एनरोल करना चाहते हो, तो अड्डा 24/7 के ऐप पर जाओ, adda247.com पर जाओ, CUET 2022 को सर्च करो, वहां पर तुम्हें कोर्स दिख जाएगा, है ना, तुम्हें वहां पर कोर्स दिख जाएगा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पर ऐसा इंटरफेस होगा, और तुम CUET को सर्च करोगे, उसके सामने तुम्हारे सामने एक कोर्स आ जाएगा, ये देखो तुम उसे सर्च करना, उसे परचेज कर लेना, और उसको देखो उसका प्राइस क्या है, मैं आपको बता दूं जनरल एप्टीट्यूड के लिए क्या प्राइस रहने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स का, आपका जो प्राइस यहां पर बताएगा पता कितना बताएगा, 8500, लेकिन आपको डिस्काउंट भी दे देंगे ठीक है, डिस्काउंट हम दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, कैसे देंगे, जब आप एक कूपन कोड लगाओगे Y453 का कूपन कोड जब आपने लगा दिया ना, तो आपको ये मात्र 7000 रुपीज का जनरल एप्टीट्यूड आपके लिए खत्म हो जाएगा, आपके लिए फिनिश हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड आपका कवर मान लो ठीक है, जैसे ही आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस चल रही है यार, जब एक बात सुनो डेली 4-4 घंटा दोगे जनरल एप्टीट्यूड में, तो होगा नहीं क्या प्रिपेयर, कर नहीं पाओगे क्या फिर, तो करो ना, जब तुम्हें प्रोवाइड करी जा रही है कोई चीज, तो उस चीज को इन्वेस्ट करो, है ना, उस चीज के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट कर दो, झोंक दो कि यार किसी एक कॉलेज में अपनी एक सीट, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, चाहे कितने ही करोड़ बच्चे पढ़ रहे हो, है ना, करोड़ बच्चे जो हैं तुम्हारे कंपटीशन में हो, लेकिन तुम एक ध्यान रखो कि तुम्हें सिर्फ एक सीट चाहिए, तुम्हारी एक सीट है, तुम्हें इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए कि करोड़ बच्चे जो हैं वो मेरे साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए बस एक सीट तुम्हें क्या करनी है, सिक्योर करनी है, ठीक है गाइस, ओके, सो हंसराज का कट ऑफ कितना जाएगा CUCET में, देखो ये तो CUCET तो होने दो मेरे बच्चे, हमें तो यही नहीं पता है अभी CUCET में कि नंबर कितने नंबर का आएगा, अभी क्या कर सकते हो CUCET की तैयारी कर दो, ये बात की बातें हैं
ठीक है, ये जरूर कर लो। तुम्हें ये जब कोर्स ले लोगे तो क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दो, जो तुम्हारी छूट भी गई है ना कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल है वो तुम्हारे सामने अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, क्लासेस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मेंटोरशिप का प्रोग्राम तुम्हें बताएंगे कौन से कॉलेज में तुम्हें जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आए तो तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं कल, सॉरी आज 6 बजे वाली क्लास में इंग्लिश की। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।